हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आस्था फैमिली लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज है 16 और अभी हो रहा है टाइम 4 बज रहा है। हम लोग जा रहे हैं अपने खेत, वहाँ क्या है, क्या फसल हुआ है, वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। चलिए तो बने रहिए मेरे वीडियो पे। फिर हम घर से निकल गए, रास्ते में कुछ ऐसा कुछ व्यू पड़ा और हम पहुंच भी गए इतने फटाक से। और ये अंदर जाते ही हमको दिखा, ये आप क्या है आप बता सकते हैं? मैं बताती हूँ, ये है सूरन की सब्ज़ी जो बोलते हैं ना हमारे यहाँ, इसको जिमीकंद की सब्जी बनाते हैं। इसका नीचे जो रहता है कंद, इसका बनता है। और ये आपको सामने रास्ता दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा है ना, हमको भी नहीं दिख रहा था। बट पापा यहाँ हम लोग के जाने के लिए पैर से रास्ता बना रहे थे। ये देखो बोल रहे थे, ये देखो है तो रास्ता करके। इतना डर लग रहा था ना मम्मी और मेरे को, इस रास्ते में जाने से कुछ भी काट सकता था ना। और काफ़ी टाइम हो गया था, पापा भी नहीं आ रहे थे और हम लोग भी नहीं आ रहे थे, तो उतना सफाई भी नहीं हुआ है यहाँ का। और बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे बीच में जो रास्ता था ना उसमें आ गया था, तो बहुत डर लग रहा था भाई साहब, कुछ भी काट देता है ऐसा लग रहा था। और फ्रेंड्स, ये व्यू आपको देख के कैसा लग रहा है? बहुत ग्रीन सा लग रहा है ना, बहुत प्यारा दिख रहा था। और इस ये पूरे दोनों साइड धान लगे हुए हैं, दोनों में बालियाँ भी आ चुकी थी। मैं आपको दिखाती हूँ उसको भी, पास से दिखाऊंगी, उसके फूल भी दिखाऊंगी, सब कुछ आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा। ये आपको दिख रहा है ना फ्रेंड्स, मैं बता दूँ ये जो फसल है ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, कोई भी केमिकल यूज़ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इसका स्वाद बहुत टेस्टी रहता है। नॉर्मल चावल जो मिलते हैं ना मार्केट में वैसा नहीं रहता है, इसमें खुशबू भी रहती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है, इसलिए इसको हम लगवाते रहते हैं। और ये जो दिख रहा है ये ही है बाली। तो ये है हमारा खेत जो मेरे पीछे दिख रहा है आपको, और ये मम्मी खड़ी हुई है। मम्मी हाय करो, मम्मी हाय करो, हाय। और पापा पीछे में हैं, पापा हाय करिए। और फ्रेंड, ये जो आपको दिख रहा है इस साइड पे, इस धान को बोलते हैं सोनम, सोनम कपूर वाला सोनम नहीं, धान वाला सोनम, जिसका चावल बनेगा। और ये है स्वर्णा, मैं पास से दिखाती हूँ आपको, इसमें छोटे छोटे पापा बताए कि बाली आ चुकी है। स्वर्णा का दिखाती हूँ आपको, ये छोटे छोटे फूल भी है उसमें, अच्छा दिख रहा है ना। और पिछले साल जो धान लगा था ना, उसका कुछ धान के टुकड़े ज़मीन पे ही गिर गए थे, जिसकी वजह से ये इस फसल में ये पहले उग गए और ये धान भी बन चुके हैं, और बाकी सब में अभी धान बनना स्टार्ट हुआ है। ये ऐसे ही पानी डालते हैं, और वहाँ पर है बोर, वहीं से आता है पानी और ऐसे ही डलते रहता है। ये भी वही सेम धान है। और ये है हमारा खेत का बेर का पेड़, इसको हम लोग हमेशा खाने के लिए आते हैं। छोटा सा ही है बट बहुत फलता है। अब इसमें छोटे छोटे फूल आ गए हैं। गरीब से ढका हुआ जो तीन ड्रम है, जिसमें ऑर्गेनिक खाद डीकंपोजर बोलते हैं, जो एंटी फंगल का काम करता है फसलों के ग्रोथ में। उसका मूल काम है जो फसल अवशेष जो बचे होते हैं उसको जल्दी डीकम्पोज करने का। तो जैसे ही वो जल्दी डीकम्पोज होता है तो खेत में असंख्य हमारे मित्र कीट पैदा होते हैं, जो जिससे खेत में खाद स्वफूर्त बनता है और जो अगली फसल में काम आता है। उस साइड पे इमली का भी पेड़ है, हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत रास्ता जाम हो चुका है। सागौन का पेड़ आपको दिखाई देगा, और पार के साइड में आपको सागौन का पेड़ भी दिख रहा होगा, बड़े बड़े पत्ते वाले सागौन। ये बाली तैयार है और इसमें चावल भी आ चुका है। इस वाले फूल को क्या बोलते हैं आप लोग? हम लोग क्या बोलते हैं मम्मी? ये पिंक पर्पल वाले को चिरैया बोलते हैं। ये है चिरैया का फूल, और ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ, ये ऐसे करने से ना ये मुड़ जाता है, ये देखिए।
इसको भी दिखा दीजिए। ये आप महाराज, और ये विष्णु कांति का बेल है जो सब तरफ है हमारे खेत में। और मैं आपको चिड़ैया का एक ठोक फल दिखाती हूँ ये कैसे हो जाता है। ये है फल उसका, और मैं इसको दबाऊंगी, ये फूट गया। ये फूट के बीज निकल जाता है इसमें से। बहुत दिन बाद हम लोग आए हैं यहाँ पे। ये रास्ता पूरा भर चुका था पौधों से। ये देखिए यहाँ पे गिलकी फला हुआ है, जिसको इधर तुरई बोलते हैं ना। पर जो छोटे छोटे पत्ते दिखते हैं ना, ये अरबी के हैं। नहा के आ रहे हैं ये लोग। कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, मम्मी और मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो क्लिक करवाते हुए स्टाइल मार के, और यहीं पे हमारा ये वीडियो एंड होता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये क्या है आप मुझे बताइएगा ज़रूर, और कमेंट करके बताइएगा ये क्या है। मैं आपको अगले वीडियो पे बताऊँगी ये क्या है, और जो सबसे पहले बताएगा वो विनर होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए ये क्या फल है।